चाहती थी कि इस गाय के आने से उसे इतना आनंद नहीं हुआ कि ईर्ष्यालु भगवान सुख का पल्ला ऊंचा करने के लिए कोई नई व्यक्ति भेजते। बस अभी आटा घोल ही रही थी कि गोबर गाय को लिए बालकों के एक जुलूस के साथ द्वार पर पहुंचा। होरी दौड़कर गाय के गले से लिपट गया। धनिया ने आटा छोड़ दिया और जल्दी से एक पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़कर गाय के गले में बांध दिया। होरी श्रद्धा विहाल नेत्रों से गाय को देख रहा था, मानो साक्षात देवी जी के घर में पर्दापण किया हो। आज भगवान ने यह दिन दिखाया कि उसका घर गऊ के चरणों से पवित्र हो गया। ये सौभाग्य न जाने किसके पूर्ण प्रताप से। धनिया ने भयातुर होकर कहा, खड़े क्यों हो, आंगन में नाद गाड़ दो। आंगन में जगह कहाँ है? अरे बहुत जगह है, मैं तो बाहर ही गाड़ता हूँ, पागल ना बनो, गांव का हाल जानकर भी अनजान बनते हो। अरे बित्ते भर के आंगन में गाय कहाँ बंधेगी भाई, जो बात नहीं जानते उसमें टांग मत अड़ाया करो, संसार भर की विद्या तुम्हें नहीं पड़ी। होरी सचमुच आपे में ना था। गौ उसके लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की वस्तु नहीं, सजीव संपत्ति भी थी। वह उससे अपने द्वार की शोभा और अपने घर का गौरव बढ़ाना चाहता था। वो चाहता था लोग गाय को द्वार पर बंधे हुए देखकर पूछे, ये किसका घर है, और लोग कहें, होरी महतो का। तभी तो लड़की वाले भी उसकी विभूति से प्रभावित होंगे, आंगन में बंधेंगी तो कौन देखेगा। धनिया इसके विपरीत सशंक थी। वो गाय को सातों पर्दों से छुपाकर अंदर रखना चाहती थी। अगर गाय आठों पहर कोठरी में रह सकती तो शायद वो उसे कभी बाहर ही ना निकालती। यूं हर बात में होरी की जीत होती थी, पर इस पक्ष पर अड़ जाता था, धनिया को दबना पड़ता था। लेकिन आज धनिया के सामने होरी की एक ना चली। धनिया लड़ने पर तैयार हो गई। गोबर, सोना, रूपा, सारा घर होरी के पक्ष में था, पर धनिया ने अकेले सबको परास्त कर दिया। आज उसमें एक विचित्र आत्मविश्वास और होरी में एक विचित्र विनय का उदय हो गया था। मगर तमाशा कैसे रुक सकता था, गाय डोली में बैठकर तो आए ना थी। कैसे संभव था कि गांव में इतनी बड़ी बात हो जाए और तमाशा ना लगे। जिसने सुना सब काम छोड़कर दौड़ने आए। ये मामूली देशी गांव नहीं है, भोला के घर में 80 रुपये में आई है। होरी 80 रुपये कहाँ से देंगे, अजी 50-60 रुपये में लाए होंगे। गांव के इतिहास में 50-60 रुपये की गाय भी आना एक अभूतपूर्व बात थी। गाय क्या है, साक्षात देवी जी का रूप है। दर्शकों आलोचकों का तांता लगा हुआ था और होरी दौड़ दौड़ कर सबका सत्कार कर रहा था। इतना विनम्र, इतना प्रसन्नचित वो कभी ना था। सारा गांव गाय देखने आया, नहीं आए तो शोभा और हीरा जो उसके सगे भाई थे। होरी के हृदय में भाइयों के लिए अब भी कोमल स्थान था। वो दोनों आकर देख लेते तो प्रसन्न हो जाते कि उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई है। दोनों भाई और इसकी लड़ाई इसलिए हो गई थी जायदाद को लेकर, तो अब वो अलग रहते थे। सांझ हो गई, दोनों पुर लेकर लौटे आए, इसी द्वार से निकले होंगे, पर पूछा कुछ नहीं। होरी ने डरते डरते धनिया से कहा, न शोभा आया न हीरा, सुना ना होगा। धनिया बोली, तो यहाँ कौन उन्हें बुलाने जाता है, तू बात समझती नहीं, लड़ने के लिए तैयार रहती है। अरे भगवान ने जब ये दिन दिखाया है तो हमें सर झुकाकर चलना चाहिए। आदमी को अपने सगे के मुंह से अपनी भलाई बुराई सुनने की जितनी लालसा होती है, बाहर वालों के मुंह से नहीं होती। फिर अपने भाई लाख बुरे हैं, है तो अपने भाई ही। अपने हिस्से बकरे के लिए तो सब लड़ते हैं, पर इससे खून थोड़ी ही बच जाता है। दोनों को बुलाकर दिखा देनी चाहिए, नहीं कहेंगे कि गाय लाए और कहा तक नहीं। धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, मैं तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया, मेरे मुंह पर भाइयों का बगान ना किया करो, उनका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। सारे गांव ने सुना, तो क्या उन्होंने ना सुना होगा, कुछ इतनी दूर भी तो नहीं रहते। सारा गांव देखने आया, बस उन्हीं के पाँव में मेहंदी लगी हुई है। मगर आए कैसे, जलन हो रही होगी कि इनके घर तो गाय आ गई, छाती फटी जाती होगी। डू यू वॉन्ट मी टू कंटिन्यू और डू वी हैव टाइम? तो टू कट शॉर्ट, इसके आगे होरी जाता है उनके घर, भाइयों को बताता है, लेकिन बताने जाता है, लेकिन उससे पहले भाइयों की बात सुन लेता है। भाई इसके बारे में बुराई कर रहे होते हैं और होरी उनको बिना बताए वापस लौट आता है। यहाँ पे ये लोग सब गाय के संग काफ़ी घुल मिल गए और गाय का नाम रख दिया सुंदरिया। और दोनों लड़कियाँ गाय के साथ ही खाना खाती, पहले एक ने वाला खुद डालती हैं, दूसरा गाय के मुँह में डालती, तो ऐसे घर में गाय के आने से काफ़ी रौनक हो गई। लेकिन होरी जो है वो दिन पर दिन और भी गरीब होता गया, कर्जा था नहीं दे पा रहा था, तो ऐसे गरीबी तो थी जो बढ़ती जा रही थी।
तो धनिया ने गर्व भरे प्रेम से उसकी ओर देखा और कहा, इतनी तपस्या के बाद तो घर में गऊ आई, उसे भी बेच दो, ले लो कल रुपए, जैसे और सब चुकाए जाएंगे वैसे ये भी चुका देंगे। वो बात कर रहे हैं कि गाय बेच देते हैं। भीतर बड़ी उमस हो रही थी, हवा बंद थी, एक पत्ती ना हिलती थी, बादल छाए हुए थे पर वर्षा के कोई लक्षण न थे। होरी ने गाय को बाहर बांध दिया। धनिया ने टोका भी, कहा कहाँ लिए जाते हो, पर होरी ने नहीं सुना, बोला बाहर हवा में बांध देता हूँ, आराम से रहेगी, अरे उसके भी तो जान है। गाय बांधकर वह अपने मझले भाई शोभा को देखने चला गया। कोई 11 बजते बजते होरी लौटा और भीतर जा रहा था कि उसे भास हुआ जैसे गाय के पास कोई आदमी खड़ा है। पूछा, कौन खड़ा है वहां? हीरा बोलिया, मैं हूं दादा, हीरा उसका छोटा भाई, मैं हूं दादा, तुम्हारे कौड़े से आग लेने आया था। हीरा उसके कौड़े से आग लेने आया है? इस जरा सी बात में होरी को भाई की आत्महत्या का परिचय मिला। गांव में और भी तो कौड़े हैं, कहीं भी आग मिल सकती थी, हीरा उसके कौड़े में आग ले रहा है तो ये उसका सत्कार हो, सारे गांव इस कौड़े से आग लेने आता है, गांव में सबसे संपन्न यही कौड़ा है। मगर हीरा का आना दूसरी बात थी और उस दिन की लड़ाई के बाद हीरा के मन में कपट नहीं रहता, गुस्सैल है लेकिन दिल का साफ, होरी ने सोचा। दोनों ने साथ चिलम पी, तब हीरा अपने घर गया और होरी अंदर भोजन करने चला आया। धनिया रोष से बोली, देखो अपने सपूत की लीला, इतनी रात हो गई उसे अभी अपने शहर से छुट्टी नहीं मिली, मैं सब जानती हूँ, मुझे सारा पता मिल गया है, भोला की वो रान लड़की है ना झुनिया, उसी के फेर में पड़ा रहता है। होरी के कानों में भी इस बात की भनक पड़ी थी पर उसे विश्वास ना आया था, गोबर बेचारा इन बातों को क्या जाने। बोला, किसने कहा तुमसे? धनिया प्रचंड हो गई, तुमसे छुपी होगी, और तो सभी जगह चर्चा चल रही है, ये भुग्गा ये 72 घाट का पानी पिए हुए है, उसे उंगलियों पर नचा रही है और ये समझता है कि उस पर जान देती है, तुम इसे समझा दो, नहीं कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो कहीं के ना रहोगे। होरी का दिल तो आज उमंग में था, छोटा भाई जो आया था। सहसा गोबर आकर घबराई हुई आवाज में बोला, दादा सुंदरिया को क्या हो गया, क्या काले नाग ने छू लिया, वो तो पड़ी तड़प रही है। होरी चौके में जा चुका था, थाली सामने छोड़कर बाहर निकल आया और बोला, क्या आप सगुन मुंह से निकालते हो, अभी तो मैं देखकर आ रहा हूं, लेटी थी। तीनों बाहर गए, चिराग लेकर देखा, सुंदरिया के मुंह से फिचकूर निकल रहा था, आंखें पतरा गई थी, पेट फूल गया था और चारों पांव फैल गए थे। धनिया सिर पीटने लगी। होरी पंडित दातादीन के पास दौड़ा, गांव में पशु चिकित्सा के वही आचार्य थे। पंडित जी सोने जा रहे थे, दौड़े हुए आए, दम के दम में सारा गांव जमा हो गया। गाय को किसी ने कुछ खिला दिया, लक्षण साफ थे, साफ विष दिया गया है, लेकिन गांव में कौन ऐसा मुद्दई है जो उसे विष देगा। होरी की किसी से दुश्मनी भी ना थी कि उसे किसी पे संदेह हो। आधी रात तक जमघट रहा, सभी होरी के दुख में दुखी थे।